आज शाम में ना घर में एक बहुत बड़ी तकरीब होगी जिसमें तुम्हारे और मेरे घर के तमाम मेम्बरान शरीक होंगे और उन सब के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा असल चेहरा दिखाया जाएगा। चलें। बस चलें। आपसे एक बात पूछने को, अगर आप माइंड ना करें तो। बेहतर यही है कि तुम खामोश रहकर बैठो। क्या माइंड करोगे? आखिर कब तक खामोश रहोगे? अपने अबू के घर तक। वहां जाकर उनसे दिल खोल कर जितनी मर्जी बातें करना। मुझे आपसे पूछना है कि जब से अरसम की डेथ हुई है आप कुछ उलझे उलझे से लग रहे हैं, जैसे पता नहीं। जैसे क्या? जैसे कि मैंने अरसम को मारा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर ये कहो कि नूर ने अरसम को मारा। तो आप क्यों परेशान हो रहे? मैं अपनी मर्जी का मालिक, परेशान रहूं या खुश मेरी मर्जी है। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको परेशान नहीं देखना चाहती, आपको खुश देखना चाहती हूँ। आ जाओ बेटा बैठो। अच्छा किया तुम आगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जी अम्मी, आना तो नहीं था लेकिन पप्पू ने बस जबरदस्ती भेज दिया। आप लोगों के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू को तुम्हारी जरूरत होगी इस वक्त। हाँ बेटा, यही वजह है कि मुझे तुम बहुत याद आ रही थी। उनकी सहनी हालत ठीक, समझ सकती हूँ मम्मी। नूर को अचानक इतना बड़ा सदमा पहुंचा। तुम्हारे आने से पहले मैडम फारूकी का फोन आया था, उन्होंने बहुत हंगामा किया, बहुत रोई, रोते रोते बेहोश हो गई। नहीं, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। कोई क्या कर सकता है? हाँ, ये भी है। अरसम की डेथ की असल वजह भी तो नूर है। गाड़ी वो ही ड्राइव कर रही थी। इसलिए वो इस कदर रिएक्ट कर रही है। बेटा, मैं वहां जाना चाहती, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जी जी अम्मी, मैं जरूर चलूंगी, हमें जाना चाहिए वहां। Thank you.
क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ तो मुझे क्या हुआ, मुझे बताओगे? परेशान हो रहा हूं मैं। क्या हुआ अरसन? किसी भी क्या चलती थी तुम मुझसे, क्या दुख था तुम्हें बताया भी नहीं, और ये दुख मुझे खा जाएगा। Yes, come. Thank you. बहुत अफसोस हुआ सर। सर कल शाम अरसन साहब की गाड़ी मैंने वर्कशॉप में पहुंचा दी थी, ऑलमोस्ट 15-20 दिनों में तैयार होके आ जाएगी सर। एक काम करना, वो गाड़ी वहां से कहीं सेल कर देना। ऑल राइट सर, घर लाने की जरूरत नहीं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट के गाड़ी से ये सेलफोन मिला था सर, यू कैन चेक इट। ये तो अरसन का फोन है। मे बी सर, उन्हीं का होगा। चलो ठीक है, आप पहुंच जाओ। ओके सर, अपना ख्याल रखिए। जुनेद से कदर मोहब्बत करती है, और जुनेद वो किस कदर बेमुरव्वत इंसान है। गाड़ी में से बहुत शौक था उसे नए मॉडल के फोन लेने का, नई गाड़ी लेने का। जब भी कोई नया मॉडल आता था उसे हमेशा कहता था भाई मुझे ये देते। आप प्लीज अपने आप को संभालें, अल्लाह की मर्जी थी, इंसान बेचारा क्या कर सकता है। इसे जब मालूम हो तो मुझे खाए जा रहे।
बड़ा लाडला था वो मेरा, हर ख्वाहिश पूरी करता था मैं उसकी। पता नहीं क्या दुख था उसे, किस बात की तकलीफ थी मुझे, मुझे नहीं पता चल सका। वो मेरे कमरे में भी आया था, सॉरी कह रहा था मुझे, कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, अपने दोस्तों के लिए डिनर नहीं रखना चाहिए था मुझे। मुझे नहीं बताया, चुपचाप अपना दुख अपने दिल में छुपाया चला गया। बस बस करें प्लीज, फोन भी तो नहीं अनलॉक हो रहा, पता नहीं क्या पासवर्ड है इसका, एटलीस्ट ये अनलॉक हो जाए तो कुछ पता चलता। शायद नूर को पता हो, बहुत समझाया ऐसे, अपनी मिसाल दी, मगर ये नहीं सुन रहे। सुबह से जिद कर रही थी कि मुझे अरसम के पास जाना है, अरसम के पास जाना, प्रस्ताव लेकर गई थी सब, वहां जाकर अरसम की कब्र के साथ लेट गई, इतनी इतनी मुश्किलों से समझाकर वापस लेकर आई। मेरी बच्ची अलावा इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, सब्र करो मेरी बच्ची। सब्र करना किस इंसान के बस में, कौन मुझे कहता है कि मैं सब्र करूंगी, तकलीफ होती है और तुम जैसे जीवन साथी खोने के बाद मैं कैसे सब्र कर सकती। समय 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 जो कहते हैं मुझसे कि समय करूं, मैं वो खुद समय लेके दिखाना कितनी मुश्किल चीज है, करने को मुझसे नहीं होती। बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में आप इससे बाहर हो जाती, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं खुद को समझाऊं या इसे बहलाऊं। आप नूर की फिक्र ना करें, कुछ दिनों में उसे सब्र आ जाएगा। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। बहुत मुश्किल है बेटा, जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, उनके लिए तो एक एक पल अजाब है जिंदगी का। अल्लाह किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखा, किसी को।
मायूसी की बात मत करें। अतिया, साइम, नूर आपके बच्चे, इनको आपकी बहुत जरूरत है। आप मायूस ना हो, हिम्मत करें। आपके बगैर क्या बनेगा उन सबका। चलो थोड़ी देर चल के अपने कमरे में आराम कर लें। इस फोन में तुम्हारी जुनैद की तमाम तस्वीर, तुम्हारे एसएमएस, तुम्हारे व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स मौजूद हैं। आज शाम में ना घर में एक बहुत बड़ी तकरीब होगी, जिसमें तुम्हारे और मेरे घर के तमाम मेंबरान शरीक होंगे और उन सब के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा असल चेहरा दिखाया जाएगा। जी जेठ जी, नूर मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी। पूछिए। क्या दुख था अरसम को? दुख? उस दिन मुझसे लिपट के बहुत रो रहा था। तुम जब रूम में आई तब भी बहुत रो रहा था। ऐसी क्या बात थी, क्या चीज थी जो उसको परेशान कर रही थी? आपने पूछा नहीं? पूछने की कोशिश की थी मैंने, बताने लगा था तो तुम अंदर आ गई। ना भी आती तब भी वो आपको ना बताती। क्या मतलब, ऐसी क्या बात थी? उनका आपकी बीवी से झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर झगड़ा? वो अम्मी ने हमसे कहा था कि हम अदिया खाला से माफी मांगे, तो वो मैंने कहा था कि आपका इंतजार किया जाए, मिलके दोनों से माफी मांगेंगे। तो अरसम ने कहा कि नहीं, मुझे अम्मी की बात माननी है। वो चले गए अदिया खाला कमरे, मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई। फिर उन्होंने माफी मांगी। फिर आगे से अदिया खाला ने कुछ कह दिया जिनसे उनको दुख हुआ था। और फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने कहा था कि खामखा मामला बिगड़ जाएगा, बात बढ़ा दूंगी। अच्छा, ये फोन मिला है अरसम की गाड़ी से, तुम अनलॉक कर दोगी? शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। पासवर्ड पता है तुम्हें? नहीं, मुझे पासवर्ड नहीं पता। लेकिन जेठ जी, उसमें तो हमारी कुछ प्यार भरी तस्वीरें ही होंगी। मेरे प्यारे अरसम का फोन है, मुझे दे दे। नहीं, मैं ये मेरे भाई की निशानी है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। थैंक यू। Thank you.
मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच तो यही है। और नहीं तो क्या, एक्सीडेंट नूर की गलती और कोताही की वजह से ही हुआ। लेकिन नूर सारा मलबा मेरे ऊपर डाल रही है। आप पर क्यों? ये तो वो ही बता सकती है ना, मुझे देखकर हंगामा खड़ा कर देती है। अरसम की कातिला कहती है मुझे। बहुत ही अहमक लड़की है। अहमक नहीं, मक्कार। और तुम्हें ये सुनकर यकीनन अफसोस होगा कि आज उसने मुझे थप्पड़ तक मार दी। थप्पड़? वो इंसल्ट की मैं तुम्हें क्या बताऊं, मनहूस कहकर मुझे घर से निकालने की भी कोशिश की। नूर इस कदर गिर गई है, और वो ये सब क्यों कह रही है? सिर्फ इस वजह से था कि अरसम की डेथ का इल्जाम उसके ऊपर ना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सन भाई, आपके दुख का अंदाजा है मुझे, लेकिन ताजियत के लिए अल्फाज नहीं है। कुछ तो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। ऐसा ही है। ये अरसम का फोन मिला था उसकी गाड़ी से, मुनीर ने दिया था। मैं इसका पासकोड नूर से पूछने गया था, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं। शायद उसके पास ना हो इसका कोड। दिया, अरसम जिस दिन तुमसे माफी मांगने आया था, तुम लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसी बात जो तुमने की और उसे बुरी लगी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरसम आया था मेरे पास, काफी देर बैठा है और फिर उठ के चला गया। मुझे कह रहा था कि मैं नूर को आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई हो। आपको ये शक क्यों हुआ कि अति और अरसम का कोई झगड़ा हुआ होगा? डिस्टर्ब था वो। मैंने सोचा कि शायद त्या के साथ कोई झगड़ा हुआ। मुझे लगता है आपको मिसगाइड किया जा रहा है। मुझे मिसगाइड किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि ये फोन किसी तरह अनलॉक हो जाए। नूर बेटा, कुछ दिन के लिए मेरे साथ घर चल बेटा, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। यही तो आपकी बहन चाहती कि मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन मैं ये गलती नहीं करती। नूर बेटा, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। पता, मैडम फारूकी तुम्हारे लिए बहुत परेशान। वो कह रही है किसी तरह भी तुम्हारा दिल बहल जाए, कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए घर चलो, उन्हें कोई एतराज नहीं। मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो गया, और अब अतिया मैडम फारूकी से ये कह रही है? इतना कुछ हो गया और आपकी बहन अभी तक मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है? नूर, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारी ये गलतफहमी कब दूर होगी बेटा? हाँ वही माँ, आप बेटा इसे कुछ समझो। मेरे साथ कुछ दिनों के लिए घर चले, इसका दिल बहल जाए।
आई तो मैं इसे समझाने के लिए ही हूँ, लेकिन इसे समझाना फजूल है। अब भी मत करना फजूल बातें। इतना सब कुछ हो गया नूर, अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई? क्या कह रखा है तुमने साइन से? क्या कहा है कि अरसम और अतिया के बीच झगड़ा हुआ था? कोई वक्त है ये बात पूछने का? और मुझे क्या इल्म इस बात का? मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम रहम के काबिल ही नहीं हो। देखा, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, अब इतनी अपनी बहन बाज नहीं आई मेरी बहन को मेरे खिलाफ करने से। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी तुम चला रही थी या अतिया? नूर, अपने हाथों से तुम अपना घर बर्बाद कर चुकी हो, अतिया का घर तो बसने दो। एक बार फिर मैं तुम्हें समझाने की बेवकूफी कर रही हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है? किसी भी वक्त तुम्हें इस घर से निकाला जा सकता है। तुम्हारी जड़ें कट गई हैं। जिसके दम पे तुम इतना अकड़ती थी वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अकड़ से नहीं, अकल से काम लो। इमाम, बस करो, क्या बोल रही हो तुम? अम्मी, ये कड़वा सच है और नूर को ये तस्लीम करना होगा। को समझने की कोशिश करो। मैडम फारूकी और साइम कभी भी तंग आके तुम्हें इस घर से निकाल सकते हो, उन्हें टेंशन मत दो। उनका जवान बेटा और है, खुद को संभालो ताकि तुम उन्हें संभाल सको। मुझे वापस ले आओ। मत करो जुनेद, इमाम को नहीं लाए तो? आपने कहा था उसे ड्रॉप कर दो, मैंने कर दिया। अरे तो वापसी पर पूछ तो लेते कि उसे वहां रहना है या वापस आना है। अम्मी, मैं बीवी के इतने नखरे नहीं उठा सकता। इतने तो बदकिस्मत हो तुम। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि इमाम तुमसे किस कदर मोहब्बत करती? जुनेद, अपनी खुशकिस्मती को अपने हाथों से बदकिस्मती में मत बदलो। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत करे। या इमाम तुमसे मोहब्बत करती है और तुम हो कि उसकी मोहब्बत को टुकरा रहे हो। और ये बात आपको कैसे पता चली? ये डायरी पढ़कर। तुम्हारी हर याद उसने इस डायरी में महफूज कर रखी है। लो और पढ़ो। मुझे नहीं पढ़नी शायरी से बड़े किससे कहानी। अरे इसमें किस्से कहानियां नहीं है, एक लड़की के दिल के जज्बात है। पढ़ के तो देखो। सुनीत, अरसम की डेथ के बाद तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहे? मैं कुछ नहीं सोच रहा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक बार फिर मैं तुम्हें समझाने की बेवकूफी कर रही हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है? किसी भी वक्त तुम्हें इस घर से निकाला जा सकता है। तुम्हारी जड़ें कट गई हैं। जिसके दम पे तुम इतना अकड़ती थी वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अकड़ से नहीं, अकल से काम लो। मैडम फारूकी और साइम कभी भी तंग आके तुम्हें इस घर से निकाल सकते हो, उन्हें टेंशन मत दो।
अगर साहिब ने अरसम का मोबाइल अनलॉक कर लिया तो ये लोग यकीनन मुझे घर से निकाल देंगे। कहती तो हम आप ठीक है। आ गई हो? किसके साथ आई? बस बुआ कैब ली और आ गई। मुझे फोन कर दिया होता, मैं जुनैद को भेज देती, वो ले आता। मैंने जुनैद को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे क्या देख रही हैं बुआ? क्या कहूँ, तुम्हारी तारीफ के लायक अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। बुआ रोजाना लाखों लड़कियां अकेले सफर करती हैं, मैंने कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया। वो तमाम लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं जो अपने हाल पर खुश रहते हैं। खुश नसीब वो लोग हैं जिनकी सास मेरी सास जैसी है। लेकिन मैं बहुत बदकिस्मत हूँ बेटा। क्यों पप्पू? अपने फूल जैसी इमाम को वो खुशियां नहीं दे सकती जिसकी वो हकदार है। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि नूर के घर गई थी? जी, मैं और अम्मी गए थे। नूर की तबीयत कैसी है? क्या वाकई वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब है? ऐसी बात नहीं है पप्पू, इतना बड़ा सदमा पहुंचे उसे, संभलते संभलते थोड़ा वक्त तो लगेगा। और मैडम फारूकी, उनका क्या हाल है? बहुत साबिर खातून है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैडम फारूकी बहुत अच्छी और नेक खातून है। बिल्कुल। तो वो जुनैद घर नहीं आया अभी तक? नहीं नहीं, जुनैद तो घर आ गया था, अभी किसी काम से बाहर गया। तुम कुछ खाओगी, मैं बना दूं? नहीं नहीं पप्पू, बहुत शुक्रिया। चलो फिर आराम करो। अपनी माँ को छोड़कर चले गए थे। अरसम नजर आता है। मैं आपसे उन्हीं के बारे में बात करने वाली थी। क्या क्या बात करना चाहती थी? आंटी मेरे साथ तो कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपसे आके बात करूं। मुझे ऐसे महसूस होता जैसे कि मुझे हर जगह ऐसे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे।
मुझे हर चीज से उनकी खुशबू भी आती है, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके परफ्यूम से तो आती है, आपसे भी उनकी खुशबू आती है, इसलिए तो चाहता बस आपके पास बैठे रहूं।